या बिल्कुल, देखिए मैं मध्य प्रदेश के खजुराहो में हूँ। छह सीटों पर आज वोटिंग होना है। खजुराहो में भी अगर टेम्परेचर की बात करें तो 43 तक जा सकता है, मतलब एक बड़ा मतदाता घर से निकले ये बड़ी एक चुनौती भी है। हालांकि देखिए इक्का दुक्का जो वोटर है वो सब काम छोड़कर यहाँ पर पहुंच भी चुके हैं। एक महिला है, हम उनसे बात भी करेंगे कि उनका क्या कहना है। आप देखिए 7 नहीं बजे और उससे पहले आप आ गए। जागरूक वोटर इसी को कहते हैं। हाँ, सब कुछ छोड़कर पहले वोट डालना जरूरी होता है। अच्छा, इसीलिए हम लोग आ गए हैं। और मोहल्ले के बाकी लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि सब काम छोड़े पहले वोट डालें। हम तो जाकर बोलेंगे कि पहले वोट डाल कर आओ। सब लोग वोट डालना ज्यादा जरूरी होता है। और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, आना स्टार्ट हुए हैं। हालांकि टेम्परेचर एक बड़ा मुद्दा आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसीलिए जिस बूथ पर मैं हूँ ये आदर्श बूथ है और यहाँ पर शेड और बाकी सब चीजों की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, जिससे कि जो मतदाता है जो वोट डालने हैं उन्हें दिक्कत ना हो। सहयोगी तैयारियां वहां पर दिखा रहे हैं और वोटिंग की प्रक्रिया बस कुछ ही देर में होने वाली है। और आज दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान जारी है। पोलिंग बूथ की सिक्योरिटी और गर्मी को लेकर चुनाव आयोग ने क्या तैयारी की है इसके बारे में बताया मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने। सुनिए। सारी सुविधाएं गर्मी के हिसाब से देखते हुए वोटर्स को मिलेंगी, जिसमें पीने का पानी भी है, शौचालय भी है, शामियाना भी है, पंखा भी है। बस जरूरत है कि वोटर्स को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना। सुरक्षा की समस्या कहीं आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। इतनी तैयारियां हमने की हैं, मतलब बहुत दिन से तैयारियां की हुई हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सारे एसपी, सारी हमारी टीम्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट पुलिस, सब इस बारे में सजग हैं और वोटर्स भी अपने आप में सजग हैं। तो कहीं से कोई भी अभी तक हिंसा की तो बात है ही नहीं। फिर भी तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो दूसरे चरण के लिए आज मतदान होना है और तीसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी चुनाव प्रचार करने वाले हैं। मालदा, अररिया, मुंगेर, बरेली में रैलियां होंगी। बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में रैलियां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। तो एक तरफ दूसरे चरण का मतदान और दूसरे तरफ तीसरे चरण को लेकर तूफानी दौरा प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार जारी रहने वाला है। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मोदी 56 इंच का सीना तान करके खड़ा हो गया है। वार पलटवार, जंग जोरदार, तीसरे चरण का मेगा प्रचार, मोदी का वार, मुद्दों की धार, कांग्रेस बेचैन, मची खलबली। 4 जून को 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार के नारे के साथ बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान की पीएम मोदी के दमदार नेतृत्व में शुरुआत की। पहले दौर से दूसरे दौर में कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे को घेरा है। विपक्ष जहां संविधान और लोकतंत्र बचाने के नाम पर जनता से वोट देने की गुहार लगा रहा है, तो वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस को मैनिफेस्टो, मंगलसूत्र, मुसलमान तुष्टिकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घेरा है। आज एक बार फिर पीएम मोदी तीसरे चरण के रण के लिए प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी में रैलियां करेंगे। मालदा, अररिया, मुंगेर और बरेली में पीएम मोदी की रैली होगी। सुबह 11:15 बजे पीएम मालदा उत्तर में प्रचार करेंगे। दोपहर 1:15 बजे बिहार के अररिया में पीएम मोदी की मेगा रैली होगी। मुंगेर में दोपहर 3:15 बजे पीएम प्रचार करेंगे, तो वहीं शाम 6:30 बजे बरेली में पीएम का रोड शो होगा। पीएम के निशाने पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष है और पीएम के सियासी प्रहार से विपक्ष हलकान है। दूसरे दौर तक आते आते सियासी तपश काफी बढ़ चुकी है। कांग्रेस पूरे देश में आरक्षण का कर्नाटका मॉडल लागू करना चाहती है। अब आपको मालूम है
एक कर्नाटका मॉडल क्या है, एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब, कर्नाटका मॉडल बड़ा भयंकर है जी, खतरनाक है। मैं भी ओबीसी हूं, मैं तो डर ही गया। अगर मैं डर गया तो आपका क्या हुआ होगा। धार्मिक आधार पर आरक्षण और वोट बैंक के लिए तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस का हिडन एजेंडा बेनकाब हो चुका है। अपने ही चुनावी चक्रव्यूह में कांग्रेस बुरी तरह फंसती जा रही है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हर देशवासी की संपत्ति की एक्सरे जांच करवाएगी। कितने गहने हैं माताओं बहनों का मंगलसूत्र, कितने सोने का है, आपने जो गाड़ी कमाई से इकट्ठा किया है वो कहते हैं एक्सरे करके ले लिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनमें बांटा जाएगा। पीएम मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज तीसरे चरण के लिए प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज शाह की चुनावी हुंकार होगी। गुना, राजगढ़ और बेमतरा में अमित शाह रैलियां करेंगे, तो वहीं कर्नाटक में जेपी नड्डा प्रचार करेंगे। रायचूर और बीदर में नड्डा की रैलियां हैं। तीसरे चरण से पहले यूपी में सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। पीएम मोदी ने सपा और कांग्रेस की जुगलबंदी पर करारा प्रहार किया है। दो लड़कों की जोड़ी जो खुद कई बार फ्लॉप हो चुकी है, आप उनसे विकास की कोई उम्मीद कर सकते हैं क्या? आतंकियों के मरने पर कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आंसू बहा रही थी, बताइए। और ये सपा वाले तो ऐसे हैं, जब उनकी सरकार थी तो जो आतंकी जेल में थे उनको जेल से रिहा करवाने के लिए भांति भांति के कानूनी रास्ते खोज रहे थे। ये कांग्रेस वाले सात सात दशक तक राम मंदिर बनाने से रोक रहे थे, अदालत में जा भांति भांति से रोकने की कोशिश करते थे। तो वहीं दूसरे दौर के चुनाव से पहले गाली का मुद्दा भी खूब उठा और पीएम ने अपने ही अंदाज में उसका जवाब भी दिया। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत।